सो फाइनली दोस्तों लाहौर 1947 का 1:32 का टीजर दोस्तों कभी भी आ सकता है। वेल दोस्तों ये बड़ा ऐलान राजकुमार संतोषी के द्वारा किया गया एंड आपको बता दूं कि बिगेस्ट हाइप सोशल मीडिया कांप रहा है लाहौर 1947 की हाइप से। दोस्तों आपको बता दूं कि फैंस लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है और टीजर दोस्तों बहुत ही फाड़ू बवाल टीजर आने वाला है और आपको बताऊंगा दोस्तों इस मूवी के साथ आ सकता है, यूट्यूब पे कब आएगा, कैरेक्टर पोस्टर कब आएगा एंड ट्रेलर दोस्तों कब आ सकता है, सब कुछ अपडेट लेके आऊं दोस्तों। और कितने मिनट का टीजर होगा और क्या क्या होगा इस टीजर के अंदर, सारी अपडेट लेके आऊं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि भैया टीजर की अनाउंसमेंट से ना जितने भी अपने छपरी गैंग है, रमैया वस्ता भैया काहे को टीजर ला रहे हो भैया, क्योंकि इनके पसीने छूट जाएंगे भैया। छपरी गैंग नहीं चाहते कि सन्नी देओल जो है फिर से एक बार लाहौर का दामाद, जी हाँ दोस्तों, 1,000 करोड़ पार करे। वेल दोस्तों बहुत सारी अपडेट है लाहौर 1947 से जुड़ी खबरों के लिए, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हो रवि भैया, रवि सर कुछ अपडेट बताओ लाहौर 1947 की शूटिंग को लेकर, टीजर को लेकर, ट्रेलर को लेकर। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, एक्सक्लूसिवली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लाइक कमेंट करना सन्नी देओल फैंस, असेंबल हेयर, वीडियो को भर भर के लाइक कमेंट करो यार, भर भर के कमेंट करो, थैंक यू वेरी मच। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई लोगों, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो अपने भाई रवि चौधरी को खूब सारा प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि यार काफी अच्छे से कमेंट आ रहे हैं आपके, और हेटर लोगों संभल जाओ, लाहौर 1947 गदर नहीं है, ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, ये भोजपुरी की भी बाप फिल्म है, फाड़ के रख देगी। लाहौर 1947 1000 मिनिमम है नेट कलेक्शन बता रहा हूं मैं, और कितने भी पठान आ जाए, जवान आ जाए, किंग आ जाए, डीके राज जीके की फिल्म आ जाए, पैंथर आ जाए, तमाम एसआरके की फिल्म एक तरफ, सारे सपोर्टिव कैरेक्टर एक तरफ, और अपना सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ एक तरफ, पूरी फिल्म को ही हिला के रख देगा। गदर में तुमने शायद देखा नहीं बवाल, गदर तो सिर्फ पिक्चर था, असली ट्रेलर तो लाहौर 1947 में देखोगे जब तुम कांपने लग जाओगे ट्रेलर को देखने के बाद, टीजर ही तुम्हें दिखा देगा भाई, टीजर बड़ा फाड़ू आ रहा है। सो बस दोस्तों टीजर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रहा है एंड सोर्सेज बता रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि राजकुमार संतोषी कभी भी 1:32 का जो टीजर है वो यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है, फैमिली इसको देख सकती है इस फिल्म को। और आपको बता दूं कि टीजर जो है क्या होगा 1:32 में, तो 1:32 के टीजर में सन्नी देओल का लुक प्रीटी जिंता उस टीजर का पार्ट होंगी एंड दोस्तों आपको बता दूं कि अभिमन्यू सिंह के साथ साथ आमिर खान की भी झलक देखने को मिल सकती है, यानी कि 1:32 में हालांकि स्टोरी रिवील नहीं होगा लेकिन एक पूरा एक ईरा दिखाया जाएगा, मतलब मुझे उसमें लखनऊ का बैकग्राउंड एंड दोस्तों लाहौर 1947 का बैकग्राउंड दिखाते हुए एक पूरी लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट टीजर आ सकता है दोस्तों, और ये कभी भी आ सकता है, कभी भी का मतलब कभी भी, घबराओ मत दोस्तों। पहली बात तो ये शैतान मूवी के साथ कोलैबोरेट किया है, आपको बता दूं कि अभी हाल में ही अजय देवगन एंड काजल पहुंचे थे लापता लेडीज के प्रीमियर पे, और वहां पर आमिर खान मेरे ख्याल से पूरी तैयारी कर रहे हैं फिल्म की प्रमोशंस में। आमिर खान जितनी प्रमोशन अपने लाहौर 1947 की कर रहे हैं उतनी ही सितारे जमीन पर कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि भैया इसका जो टीजर है शैतान मूवी के साथ प्रिंट होकर आ सकता है, जो खबरें आ रही मेरे पास, ठीक है। एंड दोस्तों ये भी बता दूं कि यूट्यूब पे कब तक आएगा, देखो यार अगर वहां पर इसका टीजर आ गया शैतान मूवी के साथ तो भाई फाड़ के रख देगा, लाहौर 1947 की हाइप बड़ी ही सॉलिड बन जाएगी, बूस्टअप हो जाएगा। फिर शायद कई लोग पूछ रहे थे कि बुक माई शो पर कब आएगा, तो शायद क्या पता टीजर के आने के बाद बुक माई शो पर भी रिफ्लेक्ट करने लग जाए। इसके साथ ही साथ यूट्यूब पर जो है कहा जा रहा है कि लगभग 10 मार्च के बाद यूट्यूब रिफ्लेक्ट किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसके कैरेक्टर पोस्टर कब तक आ सकते हैं, तो यार देखो सन्नी देओल का एक पोस्टर हो गया लाहौर 1947 का, प्रीति जिंता, अभिमन्यु सिंह और आमिर खान, इन तमाम इन एक्टरों के कैरेक्टर पोस्टर भी जल्दी ही आएंगे आफ्टर टीजर दोस्तों, जो कि 10 मार्च के बाद उम्मीद की जा रही है, ठीक है। तब तक दोस्तों शैतान मूवी चल रही है जो कि हमें उसको भी सपोर्ट करना है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि टीजर तो बवाल होगा एंड अभी जो है दोस्तों आज मड आइलैंड का शूट कंप्लीट हो चुका है और जितने भी अपने स्टार हैं वो सब रवाना हो चुके हैं लंका के लिए। लंका में लगभग 2 हफ्तों का शूट है, उसके बाद भोपाल के लिए रवाना होंगे। मार्च में लंका और भोपाल की शूटिंग खत्म हो जाएगी। अप्रैल में दोस्तों फिर मैंने बताया था कि अप्रैल में शूटिंग जो है अभिमन्यु सिंह के और सन्नी देओल आमिर खान का है, और मई एंड में शूटिंग रैप हो जाएगी। टीजर के बाद दोस्तों बता दूं कि एक सॉन्ग आने की उम्मीद है जो अरिजीत
का एक इमोशनल सॉन्ग है दोस्तों, अरिजीत सिंह का कंपोजिशन है उसके अंदर, अरिजीत सिंह ही गाएंगे और अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही इमोशनल सॉन्ग लाहौर 1947 के अंदर दर्शाया गया, जो कि सन्नी देओल एंड प्रीति जिंटा की दोनों को फिल्माया गया है। और वो सॉन्ग दोस्तों कहा जा रहा है कि अप्रैल के शुरुआती दिन में आ सकते हैं, अप्रैल की शुरुआत पहले हफ्ते में आ सकता है वो सॉन्ग अरिजीत के द्वारा गाया हुआ, ठीक है, क्योंकि ए आर रहमान का म्यूजिक है दोस्तों इस फिल्म के अंदर और अरिजीत की आवाज़ रहेगी। सो डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल सॉन्ग और बहुत ही फाड़ू दोस्तों म्यूजिक है। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो ट्रेलर है, ट्रेलर देखो यार, ट्रेलर जो आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों सितारे जमीन मूवी जो है लगभग 24 दिसंबर क्रिसमस के दौरान रिलीज हो रही है और कहा जा रहा है कि ट्रेलर भी उस फिल्म के साथ प्रिंट होकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि देखो यार अभी आमिर खान फिल्म्स जो है किसी प्रकार की कमी नहीं चाहते अपने सितारे जमीन पर, क्योंकि आमिर खान जो है अब साल में एक फिल्म करना चाहते हैं और सितारे जमीन पर कहा जा रहा है कि जैसे तारे जमीन पर थी वैसे ही सितारे जमीन पर होने वाली, जिसमें ड्रामा कॉमेडी फन एंड मोटिवेशन फिल्म होने वाली है। एंड सितारे जमीन की जितनी प्रमोशंस, क्योंकि शूटिंग तो दोनों फिल्मों की साथ ही चल रही है, चाहे लाहौर 1947 की बात करूं, सितारे जमीन पे बात करूं, तो आमिर खान किसी भी प्रकार की कोई भी फिल्मों में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, दोनों फिल्म को अपना समझ के इस फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। एंड इसी बात से हेटर लोगों की फटी पड़ी है, हेटर लोगों की इतनी फटी पड़ी है ना, वो नहीं चाहते कि लाहौर 1947 से सन्नी देओल फिर से एक बड़ा ब्लॉकबस्टर खड़ा कर दे, वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भाई ये फिल्म फ्लॉप हो। जी हाँ, सन्नी देओल की ये फिल्म महाफ्लॉप हो, महाभोजपुरी फिल्म का टारगेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म इतनी घटिया हो जाए ताकि ये लोग पठान को सपोर्ट कर सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये फिल्म एए फिल्म्स का बैनर है, ये क्या बोलते हैं अनिल शर्मा का प्रोडक्शन हाउस नहीं है भैया, चाइना में पूरा जोर लगा दिया आमिर खान ने कि चाइना के अंदर ही 500 करोड़ कमाएगी लाहौर 1947। सोचो अभी तो इंडिया बाकी है और ओवरसीज बाकी है, तो वहाँ क्या होगा। तो कुल मिला के आमिर खान पूरी तैयारी में है कि जैसे दंगल रिलीज हुई थी चाइना में, ऐसी सितारे जमीन पर चाइना में रिलीज की बात चल रही है और चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से बातचीत चल रही है लाहौर 1947 को भी वहाँ पे उस लैंग्वेज में डब्ड करके रिलीज की जाए। तो बहुत बड़ी प्लानिंग मार्केटिंग चल रही इस फिल्म को लेकर, यह फिल्म हल्के में मत लेना पठान प्रेमियों। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया था कि जो ट्रेलर है, ट्रेलर के अंदर भी इस बार एक्शंस भरपूर रहेगा, टीजर में एक्शंस इतना नहीं दिखेगा बट ट्रेलर में एक्शंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है। देखो यार एक चीज़ और बता दूं कि मई एंड पे जब शूटिंग रैप हो जाएगा तो मई एंड के बाद ऑलमोस्ट इस फिल्म की हाइप चाहिए होगी और फिल्म मेकर दे आर ट्राइंग कि कुछ मार्केटिंग स्टंट भी हो जाए, और उससे पहले दोस्तों जो गैप रहेगा 4 महीने का, उस बीच सॉन्ग ही सॉन्ग आएंगे। मतलब कहा जा रहा है कि राजकुमार संतोषी जो है एक बार शूटिंग कर ले, सारा फिल्मा ले, फिल्म को पूरा बना ले, जितने भी सॉन्ग्स हैं उसको शूट कर ले, तो कहा जा रहा है कि मई के बाद सिर्फ हर महीने में एक दो सॉन्ग तो रिलीज होंगे होंगे ताकि फिल्म की धीरे धीरे हाइप बन सके। और ये सिर्फ एक टीजर है दोस्तों, इस टीजर के अंदर सिर्फ ग्लिम्स दिखाया जा रहा है, लाहौर 1947 का विजन कैसा होगा, विजुअल्स कैसे होंगे वो दिखाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल बात करूँ ओरिजिनल टीजर का, जो कि दोस्तों आपको बता दूँ कि अगस्त सितंबर के टाइम पर आ सकता है और कुछ और ड्रॉप देखने को मिलेंगे उससे पहले, लेकिन जो मेन टीजर है वो अगस्त सितंबर के एंड में आ सकता है और ट्रेलर दोस्तों ऑफकोर्स दिसंबर के एंड में, और ये फिल्म रिलीज हो रही है वॉर 2 के साथ क्लैश होगी, ऋतिक रोशन की फिल्म के साथ, स्पाई यूनिवर्स फिल्म के साथ यशराज बैनर है और एक तरफ एए फिल्म्स यानी कि आमिर खान और यशराज फिल्म का बैनर, तो देखते हैं कौन बाजी मारेगा। और आप बताओ दोस्तों लाहौर 1947 वर्सेस वॉर 2 रिलीज होती है तो कौन सी फिल्म को देखोगे, वॉर 2 देखोगे लाहौर 1947 देखोगे, ठीक है कमेंट करके बताओ किस फिल्म को सपोर्ट करोगे या दोनों को सपोर्ट करोगे। क्या लगता है दोस्तों लाहौर 1947 फिल्म 2025 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बन सकती है, रिपब्लिक डे के अवसर पे आ रही है, और क्या इस फिल्म के अंदर फिर से कोई ऐसा डायलॉग होना चाहिए सन्नी देओल का जो हिंदुस्तान जिंदाबाद से नारों से गूंजता हुआ थिएटर दोस्तों हिला दे, हेटर लोगों की पैंट गीली कर दे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों क्या लगता है लाहौर 1947 के लिए, आर यू एक्साइटेड, लाइक कमेंट करके बताओ। सन्नी देओल फैंस प्लीज सपोर्ट, कमेंट बंदा 20-20 बार करेगा कि एक बंदा भाई 20-25 बार कमेंट करो, भाई को प्यार दो और इसी तरह सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।